नमः शिवाय। आज रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक लोकप्रिय, अत्यधिक साहसी, धनी, आकर्षक और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के सलाहकार होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो अपने जीवन में पूर्ण सफल होते हैं। ऐसे जातक गंड मूल नक्षत्र में माने जाते हैं, जिनकी 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में शांति करानी पड़ती है। आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल शनि के नक्षत्र में हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। आपके प्रयास में थोड़ी अड़चन आ सकती है। उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा। अधिकारियों और शासन सत्ता का सहयोग मिलता रहेगा। अपने घर परिवार पर उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि का योग है। अपने मकान के नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम दक्षिण का हिस्सा साफ सुथरा रखें और हनुमान जी की आराधना करें। आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को ज़्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में महसूस होगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। वाद विवाद संबंधी मामलों में भी अनुकूलता बनी हुई है। किसी उत्सव और आयोजन की भूमिका अनुकूल रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज आपका शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। आपके प्रयास, आपकी सोच हर दिशा में सफलता दिलाने के लिए तैयार है। शत्रु पक्ष कमजोर है। आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, फिर भी लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावना बनती है। किसी सम्माननीय बुजुर्ग अथवा अधिकारी वर्ग की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने से आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी। आपके कार्य व्यवसाय के प्रयास सार्थक होंगे। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता और धन खर्च की स्थिति बनी हुई है। आज अपने खान पान पर सावधानी रखें। आज शाम किसी मांगलिक उत्सव में समय व्यतीत होगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष से सावधान रहें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। संतान के प्रति चिंता का माहौल बना रहेगा। कुछ काम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं। घर से निकलते समय किसी मंदिर में देव दर्शन करते हुए जाएं, अनुकूलता बनेगी। आज आर्थिक व्यावसायिक पक्ष और आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। मित्र सहयोगियों से सहयोग बना हुआ रहेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। नियम विरुद्ध काम करने की चेष्टा ना करें। विरोधियों से चिंता बनी रहेगी। गाय को घी लगी रोटी खिलाएं और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। आज आपके थोड़े से प्रयास से अच्छा धन लाभ संभव है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। मित्र एवं कुटुंबी जनों का सहयोग बना हुआ है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। विरोधी पक्ष भी अनुकूल रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। धार्मिक पूजा पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। रुकते और उलझते हुए कामों में सफलता मिलेगी। संतान के प्रति सुखद समाचार मिल सकता है। प्रयास सार्थक होंगे।
व्यावसायिक और आर्थिक अनुकूलता बनी हुई है। किसी के प्रति मन में दुर्भावना या कटुता ना लाएं। केले के पौधे में जल डालें और हनुमान जी की आराधना करें। आज आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति और सूझबूझ आपको सफलता दिलाएगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। शनि आपकी राशि पर केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए हर काम में विजय पताका सुनिश्चित है। धार्मिक काम में मन लगेगा, सामाजिक व्यस्तता बनी रहेगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आजकल यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक रूप से सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दांतों और नसों से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। हनुमान जी की आराधना करें या सुंदरकांड का पाठ करें। आज आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। काम करने में मन लगेगा, प्रयास सार्थक होंगे, व्यावसायिक संसाधनों में वृद्धि का योग है। अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है। भाग्य साथ देगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। कुछ आध्यात्मिक या गूढ़ रहस्यों के जानने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक प्रगति और आर्थिक सहयोग बना हुआ है। आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अधिकारियों या शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है। व्यावसायिक मामले में या नौकरी करने वाले व्यक्तियों को बाहर जाने का मौका मिल सकता है। आज का समय आपको भाग्यशाली बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।